ढिंडोरी जेल में बंद बंदियों को दुर्घटना में घायल बताकर उनके इलाज के नाम पर बंदियों के परिजनों से ठगी करने का नए तरीके का एक फ्रॉड सामने आया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिवक्ताओं को माध्यम बनाकर बंदियों के परिजनों से ठगी करने का अनोखा मामला सामने आया है। ढिंडोरी में 2 दिन में लगभग आधा दर्जन अधिवक्ताओं के पास ऐसे फोन आ चुके हैं जिनमें जिला जेल ढिंडोरी में बंद बंदियों को दुर्घटना में घायल होने पर इलाज कराने के लिए 7 से 12 हजार रुपयों तक की मांग की गई, जिसमें एक पीड़ित इस ठगी का शिकार भी हुआ। वहीं ठगी का शिकार होने से पहले ही एक महिला ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की है। अधिवक्ताओं को माध्यम बनाकर बंदियों के स्वजन से ठगी करने वाले इस मामले में अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके पास एक मोबाइल से फोन पर जेल कर्मचारी होने का हवाला देते हुए हमारे क्लाइंट के दुर्घटना में घायल और इलाज के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों को सूचना देने तथा इलाज के लिए रुपए की मांग की जा रही है। आपके जो क्लाइंट जेल में अतुल स्लिप होकर गिर गए हैं और आप या तो हॉस्पिटल में आके स्वयं देख लें या उनके किसी रिश्तेदारों को बोल दें तो वो मेरे को इस नंबर के संपर्क कर लें जिस नंबर से मेरा फोन आपको लग रहा हूँ और मैंने मानवीय आधार पर आके जिला अस्पताल में उनकी भर्ती करा दिया है। अतुल विश्वकर्मा के भाई ने मुझसे बिना कुछ पूछे उनको उसने कहा कि ब्लड की बहुत जरूरत है, ब्लड ले पाओ, ब्लड है नहीं तो आप मुझे पैसे अरेंज कर दीजिए तो मैं ब्लड उसमें लेके खरीद के वो डलवा दूंगा, उनके भाई को चढ़वा दूंगा और ऐसा करके 7 हजार रुपये जमा करने के लिए उनसे बोला। वो भी घबरा गए एकदम से और उन्होंने मुझसे बिना कुछ पूछताछ किए जो नंबर उसने बताया था उस नंबर को उन्होंने 7 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिया। जेल से इतना बहुत और कालर में कुछ है नहीं बता रहा बोल रहा हूँ आपके कोई पचकार है वहाँ जो में बंद है वहाँ गिर गए बाथरूम में सिर में चोट आई है और पैर में चोट आई और सिर में चोट हमारा से 8 टाँके लगे हैं ब्लड की आवश्यकता है उसके लिए 7 हजार 500 रुपया मैं उनके घर वालों को बता दी मैंने बता दिया उनके घर वालों को उनसे बोले 7 हजार 700 हमारी खाते में डाल दिया। इस बार पुलिस अधीक्षक संजय सिंह द्वारा बताया गया कि इस मामले से संबंधित शिकायत सिटी कोतवाली में प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई जा रही है। साथ ही मोबाइल नंबरों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जेल प्रशासन व अधिवक्ताओं द्वारा इस संबंध में लोगों से अपील की गई है कि इस तरह फोन करने वाले किसी भी व्यक्ति को रुपए ना दे, पहले पूरी जानकारी ले और पुलिस को सूचना दे। इस तरह की फ्रॉड कैदियों के परिजनों से किया जा रहा है जिसपे उनके परिवार वालों को ये बताया जा रहा है कि आपके जो साथी या फिर जो परिवार के सदस्य जेल में बंद है या तो बीमारी हो में ग्रस्त हो गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है या उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हो गया आदि और पैसे मंगाए जा रहे हैं तो इस पर कोतवाली में आवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी जाँच की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।